हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मदार। आज की फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पेशल लाए हैं आपके लिए। और हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि किसी भी इन्वर्टर की बैटरी में या ट्रैक्टर की बैटरी में पानी को कैसे डालना है और पानी से ग्रेविटी को कैसे सेट करना है। इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है आपको बैटरी की ग्रेविटी से और बैटरी के जो वाटर डाला जाता है उस दोनों चीज़ों से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। मेरे पास आज जो बैटरी है वो अपेक्स कंपनी की इन्वर्टर की टाल ट्यूबलर बैटरी 225 AH की है और इसकी जो ग्रेविटी है वो थोड़ी गड़बड़ है। बट फ्रेंड्स, आपको कौन सा पानी डालना है, मेरे पास डिस्टिल वाटर भी है 5 लीटर में और सादा वाटर भी है नल का। तो फ्रेंड्स, मैं कौन सा वाटर डालने वाला हूँ आज की इस बैटरी में और आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो ये जो होते हैं, सबसे पहले तो आप अगर आपकी बैटरी का बैकअप बढ़ाना है या बैटरी की लाइफ बढ़ाना है तो आपको बैटरी में वाटर जो है इस टाइप से दिखना चाहिए हर सेल में। ये नहीं कि एक सेल में पूरा है तो एक सेल में कम। अगर आपकी बैटरी का बैकअप चाहते हो तो सब सेलों में, 6 सेल होते हैं तो 6 सेलों में फ्रेंड्स बराबर पानी होना चाहिए और पूरा पानी होना चाहिए। अगर आपको बैटरी का बैकअप बढ़ाना है तो आपको पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फ्रूट। फ्रूट किस काम आता है? फ्रूट इस काम आता है कि अगर आपकी बैटरी की सेल में पानी कम है तो ये बता देगा इसमें थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा डालना है और इसको सही करना है। हर सेल में लगा होता है, अगर आप बैटरी लाते हो तो उसके साथ ध्यान से ये फ्रूट लेकर आएँ और बैटरी में लगाएं, इसके हिसाब से ही बैटरी में पानी डालें। अगर आप बैटरी में किसी सेल में ज़्यादा हो किसी सेल में कम पानी डाल दोगे तो बैटरी की ग्रेविटी कभी भी सेट नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको बराबर बराबर बैटरी में वाटर डालना है। और फ्रेंड्स, अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी गिर गई हो तो आपको उसको जब तक पैनल, सोलर पैनल नहीं लगाओगे जब तक उसकी बैटरी की ग्रेविटी नहीं उठेगी, या तो फिर आप उसको जो है किसी हाथ के बने हुए इन्वर्टर पर लगाकर भी ग्रेविटी उठा सकते हो। ये 225 AH की बैटरी है, अगर इसकी ग्रेविटी गिर जाएगी तो इस पे 300 वाट का सोलर पैनल 2 दिन लगभग लगाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपको बैटरी वाली दुकान पर ये बैटरी ले जाकर ग्रेविटी को सेट करवाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मेरे पास आज वाटर है, मैं ये डालकर आपको सेट करके दिखाऊंगा कि पानी कैसे डालना है। और अगर आप बैटरी की लाइफ बढ़ाना चाहते हो, बैटरी का बैकअप बढ़ाना चाहते हो तो आपको वाटर जो है वो समय समय पे डालना होगा। अभी मैं डालकर दिखाता हूँ ग्रेविटी मीटर से। इसको बोलते हैं ग्रेविटी मीटर। ये बैटरी को नापने का, ग्रेविटी को नापने का बिल्कुल अच्छा सा एक मशीन बोल सकते हो उसको, और अच्छा सा मीटर बोल सकते हो। इसकी मैं ग्रेविटी नापता हूँ तो इसमें ग्रेविटी जो आती है 1150। ये ग्रेविटी जो होती है जब इन्वर्टर कट कर देता है तब इतनी ग्रेविटी आती है। तो फ्रेंड्स, ये 1150 ग्रेविटी है और सब सेलों की बराबर ग्रेविटी होना चाहिए इन्वर्टर को ग्रेविटी उठाने के लिए। अगर ये ग्रेविटी 1100 होती तो हमारा इन्वर्टर इसको चार्ज नहीं करता। अगर यहाँ पर पानी होता तो सब सेलों की बराबर है तो इन्वर्टर इस पर काम कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा डाउन है तो आपको उसमें तेजाब डालना होगा 1200 ग्रेविटी का, या फिर आपको उसको 2 दिन या 3 दिन सोलर चार्जर पे या फिर सोलर चार्जर पैनल पर लगाना होगा। तो इसकी ग्रेविटी इतनी है कि इन्वर्टर आसानी से इसको उठा सकता है, चार्ज कर सकता है। पानी कम होने से क्या होता है कि प्लेटें सूख जाती हैं, प्लेटें सूखने के बाद बैटरी का बैकअप और बैटरी की लाइफ ऐसी ख़त्म हो जाती है कि बिल्कुल ही ख़राब हो गई हो आपकी बैटरी। तो इसमें आपको ये जो वाटर होता है ये बिल्कुल न्यू, मतलब विदाउट ग्रेविटी का होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये नाप के, तो आप ये देख सकते हो ये भी बिल्कुल नॉर्मल वाटर होता है। अभी मैं आपको एसिड दिखा देता हूँ 1200 ग्रेविटी का एसिड नापकर, जो इसमें आपको डालना होगा जब आपकी बैटरी की ग्रेविटी गिर जाए तो इसमें एसिड ज़रूर पड़ेगा। अगर आप पानी से ग्रेविटी उठाना चाहते हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको 2 दिन चार्जर पर लगाना है, बड़े चार्जर पर, तब ग्रेविटी उठ जाएगी। अभी मैं आपको एसिड की ग्रेविटी नाप के दिखाता हूँ कितनी ग्रेविटी होती है। सिंपली दोस्तों, मेरे पास बहुत बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी की हम एक बार ग्रेविटी आपको नाप के दिखा देते हैं। इतनी ग्रेविटी का हमें, अगर हमारी बैटरी का जो ग्रेविटी है वो गिर जाए तो इतनी ग्रेविटी की हमें एसिड डालना होगा। ये 1200 ग्रेविटी का है, आप देख सकते हो आराम से 1200 ग्रेविटी का। तो ये सोलर बैटरी है और चार्जर पर लगाने के बाद इसकी 1200 ग्रेविटी आ गई है, अब इन्वर्टर भी इसे चार्ज कर सकता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा सा 2-2 ग्रेविटी मीटर जो है इसमें पानी डाल देना है
और अगर कभी भी आप पानी डालें, आपकी बैटरी की ग्रेविटी गिर जाए या फिर पानी कम हो जाए और आपको एकदम ध्यान आए, तो आपको एकदम पानी नहीं डालना है, बल्कि 2-4 दिन में उसको धीरे धीरे से पानी जो है बैटर पूरा करना है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कुछ लोग एकदम डाल देते हैं बैटरी में बैटर और उसकी गारंटी जो है 100% गिर जाती है, फिर आपका इन्वर्टर उसको नहीं उठा पाता और आपको दिक्कत आती है। कभी भी अगर आप बैटरी में बैटर डालें, अगर ज़्यादा कम हो गया है, तो उसको 2-4 दिन में ही डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम बिल्कुल भी बैटर ना भरें, वरना आपकी बैटरी की 100% गारंटी गिर जाएगी और गिरने का चांस है। ये वाटर है, मैं इसमें डाल देता हूँ और बैटरी का बैकअप भी अच्छा रहेगा और लाइफ भी अच्छी रहेगी। अभी ये नीचे है फ्रेंड्स, और अभी मैं इसमें वाटर डालता हूँ। मैंने इसमें साइड वाले में वाटर डाल लिया, ये देखो बिल्कुल ऊपर आ गई है। और वाटर आपको तब डालना है जब ये बीच में आ जाए या फिर नीचे आ जाए। नीचे आ जाए तो यहाँ तक वाटर डालें कि ये यहाँ तक आ जाए, दूसरे दिन डालें कि ये यहाँ तक आ जाए। इस टाइप से आपको वाटर डालना है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे बहुत सारी वीडियोस देखने के फ्रेंड्स।